After having fled persecution in their native land of predominantly Buddhist Myanmar, violence seems to have followed the Rohingya refugees in Jammu. Rohingya Muslims are widely regarded as the world's most persecuted minority. Around 16,500 Rohingyas living in the country are registered with the United Nations High Commissioner for Refugees. Of these, 5,700 are living in Jammu. In early February, the J&K National Panthers Party local right-wing political outfit began erecting billboards across Jammu asking Muslims from Bangladesh and Myanmar who reside in temporary shelters on the outskirts of town to leave immediately. While as TDP chief spokesperson Muhammad Rafi Mir cautioned against communalizing city of Rohingya Muslims in Jammu, saying the refugees from Myanmar were protected under international laws and under the constitution of India as well. यूनिसेयर का कार्ड है हम लोग ऐसा नहीं कि यहाँ पर आके जम्मू कश्मीर में बाकायदा तौर पर बस गए हैं हमारे पास ये कार्ड है इसका डेट है 30 मार्च 2018 यानी 18 के बाद मार्च 30 मार्च के बाद इसका डेट बदल जाएगा उसके बाद इसका दूसरा कार्ड निकलेगा ये हाई कमीशन की तरफ से दिया गया दिल्ली से हम मजबूरी से बर्मा छोड़ा है वह हमारा वतन है हमारा जिंदगी उधर ही बसरने वाला है हमारे पास सब कुछ है घर हैं मकानात हैं ज़मीन है दुकान है सारी चीज़ें मौजूद हैं हम उस तमाम चीज़ों को छोड़ कर यहाँ पे झोंपड़े में रहने का इसलिए हम मजबूर हो गए हैं वहाँ पे हमारे ईमान बचाना हमारा जान बचाना मजबूर हो गए हैं वहाँ के जो हुकूमत हैं हमारे मुस्लिम को सिर्फ मुसलमानों को कत्ल आम हो चुके हैं सिर्फ मुसलमानों को किए हैं वो मुसलमान की वजह से किए हैं तो इसी की वजह से अपने हमारे माँ बहनों को हमारे भाइयों को सबको कत्लेआम किए हैं हमारे मदरसा को जला दिए हैं हमारे मस्जिद को भी जला दिए हैं हमारे जान बचाने के लिए हम मजबूर होकर हम हिंदुस्तान में आ चुके हैं वहाँ पे जान बचाने के लिए वहाँ के हुकूमत ने भी कह रहे हैं यहाँ से भाग जाओ यहाँ से अपने मुल्क यहाँ से निकल जाओ यह तुम्हारा मुल्क नहीं है लेकिन हम तारीख गवाह हैं वह अपना मुल्क है अपना देश है वो हमारा बर्मा में हमारा सरकार जो हमारा मुसलमानों के नाम निशान भूल जाने के लिए मुसलमान को आम कत्ल कर रहा है बच्चों को आग में जला रहा है औरत को रेप कर रहा है माँ के सामने बच्चियों को बच्चे के सामने माँ को भाई के सामने बहन को बाप के सामने बेटी को आम रेप कर रहा है रोहिंग्या रह रहा है हर रोहिंग्या का हर तरह बेशुमार मुश्किल है पहला तो मुश्किल हमारा एक तो जगह नहीं है एक जगह में झुगड़ी झुगड़ी बनाते फिर दो दिन के बाद उन्होंने मालिक आय पर उठा देते फिर दूसरा जगह में बनाते और वो भी एक महीना के बाद उठा देते इस तरह हर जगह में अब एक तो रहने के परेशानी है दूसरा चीज हमारा जो बेवा बेसारा यतीम और कमजोर उनके लिए हर तरह मुश्किल है उनको चलाने के लिए हम ऐसा ही मजबूरी हो भीख मांगने की मजबूरी लेकिन हम मुसलमान कहाँ भीख मांगने देते हैं हम कितने हो सकता है उनको किसी को सिलाई काम में लगा रहा हो किसी को हम अपने कपड़ा बनाना में किसी को और अखरोट तोड़ना में इस तरह हम अपने अपने कुछ काम देकर और जो चल नहीं पा रहा है उनको हमें चांदा उठाकर मुसलमानों के घर घर जाकर 10 रुपया 5 रुपया उठाकर उनको महीना के हिसाब पे राशन वगैरह हम देते बच्चों को पढ़ाई में हमारा हर तरह मुश्किल है हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराना बड़ा मुश्किल हो गया इसी वजह से हम बच्चों को जगह जगह हर जगह में जहाँ पे हमारा लोग रहते हैं उसी में एक स्कूल के तरह एक एक झुगड़ी बनाकर उनको हम तरबियत तालीम दे रहा हूँ जिसकी वजह से बच्चा कम अज कम थोड़े से इंसानियत को बच्चों के दिल में आ जाए अच्छा आजकल बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुतालबा कर रही है गवर्नमेंट से कि बांग्लादेशी महाजरीन और रोहिंग्याज इन्हें यहाँ से भगाओ अगर ऐसा गवर्नमेंट ने किया तो आप कहाँ जाएंगे क्या करेंगे हमें ये उम्मीद है हम अपील करते हैं कि यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत प्यार के साथ हम लोग आज तक रहे हैं इंशाल्लाह हमें अपने मतलब पैसे वैसे तो खुद ही कमा के खा लेते हैं और किराया देते हैं हर जगह जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर किराया पानी किराया बिजली किराया हर चीज़ का हम देते हैं हम तो ये कहेंगे हुकूमत को गवर्नमेंट को हम ये कहेंगे एक इंसानी होते हैं
एक इंसानियत होते हैं। हमारे मुल्क में इतनी कत्लाम हो रहे हैं, इतनी कत्लाम हो रहे हैं। कोई भी गैर मुस्लिम हो, कोई भी इंसान हो, सुनने के साथ साथ रोम खड़े हो जाते हैं। हम इतनी मजबूरी से हम यहाँ पर ज़िंदगी गुजारे अपने जान बचाने के लिए। हम अगर वापस भेजने के लिए अगर ये पॉलिटिकल वालों ने अगर ये कह रहे हैं, हम ये कहेंगे उनके अंदर ये इंसानियत नहीं है। तो ये दरख्वास्त करें हमारे, जब तक कि हमारे मुल्क को ठीक ना हो जाए उस वक्त हम यहाँ रहने की सहूलतें, हमें रहने की सारे चीज़ें हमको आसान करें। तो हमको हुकूमत को ये दरख्वास्त करेंगे इंसानियत को कायम रखें, इंसानियत को बरकरार रखें। Though India is not party to the 1951 Refugee Convention, it still needs to abide by international law that does not allow it to deport any refugee facing persecution or threat to their life in their homeland. Basharat Amin, Kashmir Unheard, Jammu.